बालाकोट हवाई हमले के पहले और बाद की सैटेलाइट तस्वीरों और तबाही पर छिड़ी बहस। पाकिस्तान में घुसकर भारतीय वायुसेना IAF की तरफ से बालाकोट में जैश ए मोहम्मद के आतंकी शिविर पर किए गए हवाई हमले के बाद उसके नुकसान को लेकर दावे और उसके विरोध में दावे किए जा रहे हैं। बुधवार को मीडिया रिपोर्ट्स में आई हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट तस्वीरों से यह जाहिर होता है कि वह ढांचा अभी भी मौजूद है, जबकि भारतीय अधिकारियों की तरफ से यह दावा किया गया है कि 26 फरवरी को किए गए हवाई हमले में जिन हथियारों का इस्तेमाल किया गया उनसे भारी नुकसान हुआ है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने बताया कि सैन फ्रांसिस्को के प्राइवेट सैटेलाइट ऑपरेटर प्लैनेट लैब्स इंक की तरफ से जारी तस्वीर में 4 मार्च को कम से कम 6 इमारतें मदरसा के पास देखी गई, जिसमें अप्रैल 2018 में ली गई सैटेलाइट तस्वीर में कुछ भी अलग नहीं था। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि तस्वीरों से यह जाहिर होता है कि इमारतों की छतों पर कोई दरार नहीं आई, दीवारें नहीं गिरी, मदरसा के आसपास कोई पेड़ को नुकसान नहीं हुआ और न ही हवाई हमले के कोई अन्य निशान दिखे। लेकिन भारत में दो अधिकारियों ने अपने नाम न जाहिर करने की शर्त पर बताया कि भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के बालाकोट में जैश ए मोहम्मद के आतंकी शिविर पर बमबारी की और अपने इस लक्ष्य में उम्मीद के मुताबिक सफलता मिली। अधिकारियों ने बताया कि भारतीय वायुसेना के मिराज 2000 से इजरायली स्पाइस 2000 बम फेंके गए ताकि जैश के कैंप को खत्म किया जा सके। पुलवामा में CRPF पर किए गए सुसाइड बम विस्फोट में 40 जवानों के शहीद होने के बाद जवाबी कार्यवाही यह हवाई हमला किया गया। जैश ए मोहम्मद ने दक्षिण कश्मीर के पुलवामा में 14 फरवरी को हुए इस हमले की जिम्मेदारी ली थी।